हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सुमन कुमारी किचन में। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आज हम बनाने वाले हैं आम का मुरब्बा। तो आप सब जैसे देख सकते हैं ये लोहे की कढ़ाई है और उसमें हमने डाल दिया है सरसों का तेल और उसमें हमने डाल दिया है 3-4 कली लहसुन के और अदरक के डाल दिए हैं। अब इसको धीरे धीरे हमें गोल्डन होने तक पकाना है। और ये हमने ले लिया आम, इसी का हम मुरब्बा बनाएंगे। तो देखिए, इसको हमने अच्छे से छील लिया है और इसको हमने अच्छे धुल लिया है। और ये हमने ले लिया है थोड़े से गुड़, जब तकरीबन आधा किलो जितना है। और ये है पचफोरन। पचफोरन ये होता है जिसमें 5 प्रकार की चीज़ें मिलाकर बनाए जाते हैं, जिसमें सौंफ होता है, मंगरेल होता है, मेथी होता है, सरसों होता है, ये सब मिक्स करके बनाया जाता है। अब देखिए, हमारा जो हमने तड़का डाला था वो हल्का गोल्डन कलर का हो गया, उसको अच्छे चला लेंगे। अब इसमें हमने डाल दिया पचफोरन। अब ये अच्छे से इसको सुनहरे कलर तक होने तक पकाना है और इसको धीरे धीरे धीमी आंच पे पकाना है। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से पकाया जा रहा है। इसमें ऑयल कम था तो हमने थोड़ा सा और उसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसको हम धीरे धीरे चलाएंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, जो आम का मुरब्बा है ना उसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए थोड़ा सा हल्दी ऐड किया जाता है, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी गई है। उसको थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें हमने डाल दिया थोड़े से आम। अब इसको हम अच्छे से इसमें चला लेंगे, सब मिक्स कर लेंगे अच्छे से कि जो भी ऑयल है पूरे आम को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। अब देखिए, हमने पचफोरन डालने से ना गई इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। और जो हमने अदरक लहसुन डाला है उससे भी बहुत अच्छा इसमें टेक्सचर और फ्लेवर आएगा। मुरब्बा बनाने के लिए हमें इसको बहुत धीमी धीमी आंच पर पकाना चाहिए। और हमने इसमें डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। अब इसको हम धीमे धीमे चलाते रहेंगे। अब इसको धीरे धीमे धीमे आंच पर पकाना है। अब ये धीमे धीमे आंच पे पकते रहेगा। अब इसको हम इसको ढक के रख देंगे जिससे इसमें कुछ गिरे ना। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से इसकी जो ग्रेवी है वो पतली हो जाएगी, तो इसकी थिकनेस के लिए हमें कम पानी डालना है। पानी डालने से क्या होगा कि जो आम है ना वो अच्छी तरह से पक जाएगा। अब इसको धीरे धीरे चला कर हमें इसको पकाना है। अब आंच को हमें स्लो ही करना है। अगर ज़्यादा आप मतलब ज़्यादा हम तेज़ करेंगे ना तो जो है आम है वो जल जाएगा और खाने में अच्छा नहीं आएगा। अब उसको अच्छे से पानी डाल के उसको हम चलाते रहेंगे जब तक ये पक नहीं जाता। और ये मेरी सासू माँ बना रही हैं। मेरी सासू माँ बहुत अच्छा आम का मुरब्बा बनाती हैं, तो मुझे सिखा रही हैं कैसे बनाया जाता है। अब ये तकरीबन आधा किलो जितना गुड़ है। अब आपको जैसे आपके घर में जितना मीठा खाते हो आप उस हिसाब से इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। अगर आप देखिए इसमें कितना अच्छा उबाल आ चुका है। अब इसको धीरे धीरे हमें चलाते रहना है। इसको चलाने से क्या होगा, जो गुड़ है ना वो जल्दी पिघल जाएगा, नहीं तो उसमें बड़े बड़े से मतलब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अच्छे से गल नहीं पा रहा, तो उसको हमें चलाते रहना है। देखिए मेरी सासू माँ कितनी अच्छे से चला रही है इसे बहुत अच्छे से पकाना है। और ये देखिए आम का बगीचा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। एक्चुअली कल बारिश हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही हरियाली हो चुकी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आपको चिड़ियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितना तेज उबाल आ रहा है। अब आंच को क्या है, थोड़ा तेज कर देना है जिससे कि जो पानी है ना वो जल्दी से क्या हो, जल्दी से वो कम हो जाए, क्योंकि हमें ग्रेवी थोड़ी इसमें गाढ़ी होती है। अगर ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होगी ना तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो उसको धीरे 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 पकाते रहना है। देखिए कैसे पक रहा है। Thank you.
देख सकते हैं ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब देखिए मेरी सासू माँ ने इसे उतार लिया है चूल्हे पे से। देखिए कितना थिक ग्रेवी बनी है। ऐसी हमें ग्रेवी चाहिए मुरब्बे के लिए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आम का मुरब्बा का जो ग्रेवी है कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ग्रेवी चाहिए आम के मुरब्बे के लिए। अब इसे हम एक हफ्ते तक आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में और एक हफ्ते तक आराम से इसे खा सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।